इन दिनों शरद नवरात्रों के चलते श्रद्धालु माँ की पूजा अर्चना कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँच रहे हैं। नवरात्रों के चलते छोटी काशी मंडी के मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने पुरानी मंडी स्थित शीतला माता मंदिर की आरती में भाग लिया और माँ का आशीर्वाद ग्रहण किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने पुरानी मंडी स्थित शीतला माता मंदिर की आरती में भाग लिया। अनिल शर्मा ने मंदिर पहुंचकर माथा टेका और विधिवत रूप से पूजा अर्चना में भाग लिया। आरती के उपरांत भजन कीर्तनों के माध्यम से मां की महिमा का गुणगान किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अनिल शर्मा ने कहा कि मंडी शहर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसमें सभी शहरवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अनिल शर्मा ने कहा कि शीतला माता मंदिर मंडी शहर का प्राचीन मंदिर है और इसके 7 लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने मंदिर कमेटी को अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपए देने का ऐलान किया। 11,000 देने की घोषणा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यहाँ जिस तरीके से हम लोग सभी इकट्ठे होकर इस माता का आशीर्वाद लेने आते हैं, साल नवरात्रों में नहीं पर पुरानी मंडी में जो एक लोगों के बीच में आस्था बनी है वो कायम रहनी चाहिए। और एक जैसा जैसे मैंने कहा, माता का आशीर्वाद हमारे परिवार में वर्षों से बना है और हमेशा हम आशीर्वाद लेने इस माता के दर्शन या करने आते हैं, आगे बना रहे यही मैं कामना करता हूँ। बता दें कि नवरात्रों के चलते इन दिनों शीतला माता मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। यहाँ पर रोजाना भक्तों का खूब जमावड़ा देखने को मिल रहा है।